देखिए स्क्रीन। यस सर। इट विल टेक अ लिटल वाइल टू लोड। चलो तो फटाफट देख लेते हैं हमारे दूसरे अपडेट के मेथड। तो ये मेथड तो लगा ही हुआ है ऑलरेडी। हाँ जी सर, जो फिर आपने एक था एमसीक्यू क्लास और क्लास नेम से रिलेटेड, सर उसमें फिर क्लास जो है वो प्रॉपर्टी नहीं गिनी जाती? क्लास JSX की प्रॉपर्टी नहीं है, वो HTML की प्रॉपर्टी है। तो सर क्लास जब हम फिर इंस्पेक्ट जब उसका हम इंस्पेक्ट पे जाते तो हैं वो तो वहां पे तो वो वो एज अ वार्निंग क्लास। तो वो और क्लास को चला जरूर देता है, नो डाउट इन दैट, वो क्लास को चला देता है। लेकिन JSX टैग की तो प्रॉपर्टी नहीं ना, उसमें तो वो वार्निंग शो करता है, कुड नॉट आइडेंटिफाई अनडिफाइंड क्लास, डू यू मीन क्लास नेम, उसमें करता है ना शो। यस सर। सर एक और कौन सी गलती थी वो पूछना था। और कौन सी गलती थी? सर जैसे 16 मार्क्स आए तो 2 गलत होंगे ना, एक मुझे इसकी लग रही थी, एक मुझे पता नहीं किसकी। चलो वो तो देखना पड़ेगा बेटा फिर किसमें आपका गलत हुआ है। तो वो डीप वाली तो नहीं थी डेव वाली क्या थी? जहां पे रूट एलिमेंट कोई भी हो सकता है, हाँ जो रूट रूट एलिमेंट, एलिमेंट रूट एलिमेंट कोई भी हो सकता है। यस जरूरी तो नहीं फिर डेव। पता नहीं कौन। चलो आप सर आप कर देख के लेना। बता दें। चलो ठीक है ठीक है। चलो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं आप। गेट डराइव स्टेट लगा हुआ है ऑलरेडी, रेंडर ऑलरेडी लगा हुआ है, और कौन सा मेथड था बोलो, कौन सा मेथड था? शुड कंपोनेंट अपडेट शुड कंपोनेंट अपडेट, वो देखो वहां पर वो शो भी कर रहा है उसको, है ना। कितने आर्ग्यूमेंट्स थे इसके अंदर? प्रॉप्स एंड स्टेट नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉप, प्रॉप नेक्स्ट स्टेट। स्टेट, ठीक है। नाम ऑब्वियसली आप कुछ भी रख सकते हो, बट ट्राई टू यूज दैट। तो ये रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू, अदरवाइज आपको वार्निंग आएगी। तो मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। अगर आपने कोई कोड ऐसा कोई मैच करना हो करंट स्टेट को दिस डॉट स्टेट को, मतलब आपने कंपेयर करना हो विद दिस स्टेट नेक्स्ट स्टेट, और करंट प्रॉप्स वैल्यू को आपने नेक्स्ट प्रॉप वैल्यू से कंपेयर करके फिर डिसाइड करना है अगर कि हमें अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आपको नज़र आएगा, लेकिन मतलब आपको जो लोड करते वक्त 1 सेकंड का लैग या आधे सेकंड का लैग नज़र आता था वो नहीं नज़र आएगा इन लार्जर एप्स। लेकिन अभी आप इसको यूज़ करोगे ऑब्वियसली हमारे कंटेंट ही कितना है, 4-6 तो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इतना बड़ा कोड है नहीं जो सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस आ सके, ठीक है। ऑब्वियसली वो हमने थ्योरी में डीपली डिस्कस किया हुआ है। तो रेंडर मेथड भी हो गया, इसके बाद कौन सा आता है, कौन सा मेथड आता है बोलो? रेंडर भी हो गया, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ठीक है। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कितनी वैल्यूज थी इसमें? 2 प्रीवियस स्टेट प्रॉप, सॉरी प्रॉप पहले और फिर प्रीवियस स्टेट। जरूरी नहीं आपने यही वेरिएबल यूज करना है, बट ऑब्वियसली अगर आप प्रीवियस के साथ यूज करते हो तो पता लगता है कि प्रीवियस है, नेक्स्ट के साथ यूज करते हो तो पता लगता है कि नेक्स्ट स्टेट की बात हो रही है,
ये भी रिटर्न करेगा कुछ, क्या रिटर्न करेगा, कोई स्नैपशॉट रिटर्न करेगा। स्नैपशॉट ठीक है, और यही स्नैपशॉट कंपोनेंट विल अपडेट डेट डे डेट डे डेट अपडेट के साथ आएगा। अगेन तीन वैल्यू होंगी, प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट और स्नैपशॉट। ठीक है, और अगर आपने स्नैपशॉट नहीं भी रिटर्न करना, आप नल रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल ही आ जाएगा। ठीक है जी, चाहे तो आप कुछ इसमें डाल के, स्नैपशॉट में कुछ है नहीं हमारे, हमने कुछ डाला ही नहीं है स्नैपशॉट में। ठीक है, तो कुछ आएगा नहीं, तो आप चाहे तो नल रिटर्न कर दो अगर आपके पास भेजने को, स्नैपशॉट लेने को कुछ है नहीं है, तो नल रिटर्न कर सकते हो। दैट्स इट, कंपोनेंट डेट अपडेट बस। अब इसमें हम लॉग लगा देते हैं, ये हमारा गेट डेराइव्ड स्टेट में है ही ऑलरेडी, रेंडर पेरेंट में भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग पेरेंट शुड कंपोनेंट। यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग पेरेंट स्नैपशॉट, यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग पेरेंट अपडेट। दैट्स इट हुआ। और अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम कोशिश करते हैं एक बटन लगाने की यहाँ पे, यहाँ बटन लगा देते हैं। ठीक है, अपडेट ऑन क्लिक इक्वल्स टू हैंडलर लगाना है यहाँ पे। तो हम क्या करें, हैंडलर लगाना है तो क्या करें, अब कोई भी हैंडलर लगा देते हैं यहाँ पे। तो दिस डॉट हैंडलर, और यहाँ पर हैंडलर को यूज कर लेते हैं। Let handler arrow function this is start where handler this what are the handler yes so सेट स्टेट यूज कर लेते हैं। तो क्या सेट करते हैं स्टेट को, यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट नेम चेंज कर देते हैं। कोई नाम बोलो बेटा अपना, नाम बोलो। आकांक्षा। क्या, लेट्स सी दिस, तो एक बार रन करते हैं पहले इसको।
तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, मीनवाइल जब तक ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि अपडेट का कोड कैसे कैसे कब कब चलता है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक तो हमने पहले ड्राइव स्टेट तो पहले ही लगी हुई है, कंपोनेंट अपडेट डाला, उसमें एक लॉग लगा दिया, रिटर्न करा दिया ट्रू, मतलब अपडेट होगा ही होगा। ठीक है, और अपडेट कैसे होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे हैंडलर फंक्शन के पास कॉल आएगी और स्टेट चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा मतलब स्टेट का। ठीक है, वो बटन हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, इवेंट हमने पहले कवर की हुई है, वही वाला यूज़ किया है मैंने, फोर्थ मेथड यूज़ किया है, इसमें एरो फंक्शन को हैंडलर बना लिया है हमने। ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, अगेन रिटर्न नल किया हुआ है, और एक लॉग लगाया हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लॉग लगा दी है। तो अब देखना ये है कि कैसे कैसे ये चलता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हम लगा देंगे, जैसे ये था कॉपी, दोनों साथ में कर लेते हैं, दोनों साथ में कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं रेंडर के बाद। ठीक है, और हेरा शूट कंपोनेंट अपडेट, ये भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सेव, इवेंट में एक एरर आया है यहाँ पे, इसको सेव कर देते हैं। आई थिंक इट्स नाउ सक्सेसफुली कंपाइल्ड, आउटपुट देखते हैं, रीलोड करते हैं, ये देखो। तो इट वॉज शिल्पा एंड 53 पेरेंट कंपोनेंट में, और चाइल्ड कंपोनेंट में नंदनी। एक मिनट अपडेट करके देखते हैं, बटन को दबाते हैं और देखो ये आकांक्षा हो जाता है, राइट। तो हैंडलर तो हमारा चल रहा है अब, तो बेसिकली अब हमने जो चेक करना है वो है कि कंसोल में क्या आता है। तो इफ़ यू कैन सी क्या आया कंसोल में, कंस्ट्रक्टर, ये पिछला जो आपका नॉर्मल चलता आ रहा है, माउंट वगैरह, माउंट फेस में जो भी आपके कंपोनेंट्स थे, मेथड थे, वो चल रहे हैं। पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट, फिर ड्राइव स्टेट पेरेंट, फिर रेंडर पेरेंट, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, ड्राइव स्टेट चाइल्ड की, रेंडरिंग चाइल्ड की, माउंट चाइल्ड का, फिर माउंट पेरेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपी तो किया लेकिन पेरेंट का चाइल्ड नहीं किया, वो पहले कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, रन करते हैं, आप अपडेट करने की कोशिश करते हैं, देखो। तो यहाँ तक तो था हमारा, एक सेकेंड, हमें क्लियर करके फिर करना चाहिए था, चलो दोबारा एक बार करते हैं, ये देखो। तो डराइव्ड स्टेट चली पेरेंट की पहले, जो चलनी ही थी, फिर पेरेंट का शुड कंपोनेंट अपडेट चला, पेरेंट का रेंडर फंक्शन चला, ड्राइव स्टेट चली चाइल्ड की, चाइल्ड शुड कंपोनेंट अपडेट चला, फिर चाइल्ड का रेंडर चला, चाइल्ड का ही स्नैपशॉट चला, फिर पेरेंट का स्नैपशॉट चला, फिर चाइल्ड का अपडेट चला, और फिर पेरेंट का अपडेट चला, फाइनल मतलब कंपोनेंट डेटा अपडेट चला आपका। तो इसमें कोई डाउट, यही वही फ्लो है ना जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। ऊपर से तो नहीं गया कुछ कि धीरे धीरे पहले कराऊं, बोलो बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बेटा। चलो एक काम करते हैं, दिस इज योर कोड इन द पेरेंट, टर्मिनल को एक सेकेंड के लिए हम बंद करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ये रहा बेटा कोड, तो मैं पॉज शेयर कर रहा हूँ आपको, जब दिखाई दे रहा है स्क्रीन दिखाई दे रही है यस सर को देखो। यस सर मीनवाइल जो बच्चे आए हैं अभी अभी अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लो। आई सॉ 68, सर 58 BCA 58 और 58 BCA 68 हो गया है, और जो बाद में लेट ज्वाइन किए हैं और अटेंडेंस मार्क नहीं की हो, जल्दी बोलो। तीन चार स्टूडेंट्स थे ऐसे। हेलो हाँ जी हाँ जी, 77 77 हो गया मार्क बेटा। आगे और एनीवन एल्स जिसकी अटेंडेंस रहेगी हो? रोल नंबर 1 BSEIT। ओके, BSEIT यस में सर 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, 7 रोल नंबर, 10 11 12 एब्सेंट है। BCA में 51, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80 एब्सेंट है। फिर रह गया हो तो बताओ ना। चलो एनी हाउ लेट्स रिज्यूम द शेयर। पहले बताओ समझ नहीं लगा, दोबारा ही कराऊं इसको? यस सर तो पहले मैं इसको फिर पूरा इरेज ही कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। ठीक है, ये लो अंडू हो गया, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। ठीक है, तो हमारे पांच मेथड थे, अपडेट्स अपडेट फेस के पांच मेथड थे ना। पहला मेथड ये रहा जो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा इस प्रोग्राम, ये जो अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि हमने चेक करना है कि कौन सा मेथड किस पोजीशन पे चलता है। ठीक है, मोटिव क्लियर है कि पहले कौन सा चलता है, फिर दूसरा कौन सा चलता है, फिर तीसरा कौन चलता है, मोटिव क्लियर है? तो पहला मेथड हमारा ये रहा गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। दूसरा मेथड हमारा होता है शुड कंपोनेंट अपडेट। इसमें दो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, प्रीवियस स्टेट, सॉरी प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। ठीक है, दो होते हैं, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली आपका कंपोनेंट अपडेट होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा, तो हम इसको ट्रू पे ही रखते हैं। अगला रेंडर मेथड, वो तो यहीं पर ही है ना, रेंडर मेथड यही वाला चलेगा, री रेंडरिंग के लिए भी यही मेथड ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर उसके बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, प्रीवियस सॉरी नेक्स्ट, यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट डेट होती है, यहाँ पर प्रीवियस डेट होती है और प्रीवियस प्रॉप्स। कैमल केस में वैसे लिखना ज्यादा बेटर रहता है। रिटर्न करता है, कोई ना कोई स्नैपशॉट रिटर्न करेगा। अब हमारे पास कुछ रिटर्न करने को तो है नहीं, तो हम नल रिटर्न कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, सेव किया। सर हेलो सर हाँ जी हाँ जी, सर 76 रोल नंबर की वॉइस नहीं चल रही इसलिए उसकी प्रेजेंट ला दीजिए ठीक है बेटा। 04 के भी लगा दो DSCI ठीक है, ओके, बैक टू आर क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फेज कंपोनेंट डिड अपडेट में आपका प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट, तीसरा स्नैपशॉट। ठीक है, इसमें बस हमने बस लॉग ही लगाए हैं ताकि पता लग सके कौन कब कब चल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग पेरेंट अपडेट, कंसोल डॉट लॉग पेरेंट स्नैपशॉट। रेंडर में तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा रेंडर पेरेंट। कंसोल डॉट लॉग पेरेंट कंपोनेंट शुड अपडेट, सेव किया। अब यहां तक क्लियर है? ये तो बस मेथड लगाए हैं, सब में एक एक कंसोल लगाया है, लॉग लगाया है, दैट्स इट। कुछ खास नहीं किया है, नथिंग, कोई प्रोसेसिंग नहीं की है, बस उनके सिंटेक्स लगाए हैं, यूज़ किया है उनको, और उनके अंदर एक जैसे आपका अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, सी आउट होता है सी प्लस प्लस में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है जावास्क्रिप्ट जावा में, सेम वही चीज़ की हुई है। इज इट ओके? आगे बढ़े? यस सर। और चाइल्ड में भी सेम यही चीज की हुई है अगेन, ठीक वही पांच मेथड वहां पे भी लगाए हैं। और अब जो हमने मेन करना है, हमने क्या करना है, अब अपडेट करने के लिए अपडेट होना भी तो चाहिए ना। अपडेट के मेथड को अपडेट फेस में आने के लिए हमारा जो कंपोनेंट है वो अपडेट होना भी तो चाहिए। तो हमने एक बटन लगा दिया जो एक ऐसी इवेंट बनाएगा जिससे हमारा कंपोनेंट अपडेट होगा। ठीक है, तो बटन में हमने हैंडलर लगाया, लेट से हैंडलर नाम का ही हैंडलर लगा दिया, और यहाँ एरो फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट, ये पुराना ही है जो आप करते रहे हो नॉर्मली। तो नेम चेंज कर दिया मैंने, कॉलन अच्छा किया था नाम, सेव, दैट्स इट। तो मतलब जब ये बटन क्लिक हो स्टेट चेंज हो जाए, नाम जो भी था वो बदल के आकांक्षा हो जाए, राइट। ये हैंडलर लगाया है तो ऑब्वियसली अगर स्टेट चेंज होगी तो आपका कंपोनेंट की स्टेट अगर चेंज हो जाएगी तो कंपोनेंट री रेंडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर यूज किया हुआ है हमने नाम को स्टेट को, तो अपडेट फेस में चला जाएगा ना अगर बटन क्लिक होगा कि नहीं, हो जाएगा ना अपडेट? यस सर। तो बस अब यही चला के देखना है हमने। तो ये हम गए आपके फिल टू कंपाइल, हैंडलर इज नॉट डिफाइंड, देख सकते दिस डॉट हैंडलर, ठीक है प्रॉपरली चल रहा है। कंसोल में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके माउंट फेस के चले थे वो कंसोल दिखाए थे उन्होंने, ठीक है। तो आप देखो मैं अपडेट बटन दबाता हूँ, पहले तो एक यहाँ पर शिल्पा नाम चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, ये अपडेट किया कांक्षा आ गया, और ये अपडेट फेस की मेथड चले। तो सबसे पहले कौन सा मेथड चला? पेरेंट का डराइव्ड स्टेट वाला मेथड चला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तभी आया ना डराइव्ड स्टेट पेरेंट, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फिर यस सर, पेरेंट कंपोनेंट शुड अपडेट, पेरेंट का ये वाला मेथड चला, फिर पेरेंट का रेंडर मेथड चला, फिर चाइल्ड का ड्राइव स्टेट चला, फिर चाइल्ड का शुड कंपोनेंट अपडेट चला, चाइल्ड का रेंडर मेथड चला, उसके बाद चाइल्ड का स्नैपशॉट आया,
उसके बाद पेरेंट का स्नैपशॉट आया, फाइनली चाइल्ड डेट अपडेट चला, और फिर लास्ट में पेरेंट डेट अपडेट चला। लास्ट में मतलब ये वाला मेथड चला आपका कंपोनेंट डेट अपडेट। तो यही हमने लिखे थे, यही लिखे थे ना बेटा? यस सर। यही फ्लो लिखा था तो वही चला? यस सर। अब हमने सिर्फ एक चीज करनी है, अगर हम ये कर दें फॉल्स कि अपडेट ही ना करो यार, यहाँ पे अपडेट ना करो फॉल्स, तो अब देखते हैं क्या होता है। पेन वापस आ गया, शिल्पा आ गया ना वापस, तो अब अपडेट पे क्लिक करते हैं। देखो चेंज नहीं हुआ ना? यस सर। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया कि नहीं अपडेट नहीं करना है, फॉल्स। तो अब समझ में आया? यस सर। लेकिन ये तो ट्रू होना ही चाहिए, ये तो अपडेट करना चाहिए हमें, ठीक है? लेकिन अगर चाइल्ड में मैं देखूं, चाइल्ड में मेरे को अपडेट करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, चाइल्ड को तो अपडेट नहीं होना चाहिए क्योंकि चाइल्ड में तो कुछ चेंज नहीं ना हो रहा है। पेरेंट में तो हो रहा था, शिल्पा नाम आकांक्षा में चेंज हो रहा था, तो ये ट्रू कर दिया मैंने और उसको फॉल्स कर देता हूँ। तो ये क्लियर करता हूँ, लॉग अपडेट किया, देखो चेंज हो गया, पेरेंट का ड्राइव चला, पेरेंट का कंपोनेंट शूट अपडेट चला, पेरेंट का रेंडर चला, चाइल्ड का ड्राइव स्टेट चला, कंपोनेंट शूट अपडेट चला, लेकिन यहाँ रिटर्न फॉल्स हो गया, तो बात वहीं खत्म हो गई, चाइल्ड का रेंडर नहीं चला, पेरेंट का स्नैपशॉट, पेरेंट का अपडेट, दैट्स इट। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये लाइन दोबारा रेंडर नहीं हुई, मैंने रिटर्न फॉल्स किया ना, तो ये वाली लाइन दोबारा नहीं रेंडर करनी पड़ी ब्राउजर को। और ये तो बड़ी छोटी सी लाइन ही है, इसको रेंडर करने में ब्राउजर को कुछ मिली सेकेंड्स ही लगेंगे, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा कंपोनेंट हो, इसके अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट सब कंपोनेंट भी हों, बहुत सारी हैवी हैवी इमेजेस हों, तो ऑब्वियसली इसको लोड होने में टाइम लगेगा। तो अगर ये चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसको दोबारा लोड नहीं करवाना चाहिए, दोबारा रेंडर नहीं करवाना चाहिए। तो यही बेनिफिट है शूट कंपोनेंट अपडेट का, कि हम यहाँ पर अगर फॉल्स रिटर्न कर देंगे तो री रेंडरिंग परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है? इज दैट ओके? यस सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कि यहाँ पे सब समझ लग गया है अब आपको? बोलो सब क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट हो पूछ लो। क्लियर है? थ्योरी में आ जाए, प्रैक्टिकल में आ जाए, कोई भी पूछ ले आपसे कि अपडेट के कौन कौन से मेथड हैं, किस फ्लो में चलते हैं वो, कौन सा पहले होता है, कौन सा उसके बाद में होता है, ऑर्डर क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड के बीच क्या ऑर्डर होता है, तो सब क्लियर है? सब क्लियर है? लास्ट देखिए, अब कंपोनेंट विल अनमाउंट। हेलो। यस सर। तो लास्ट वाला देखने के लिए पहले मेथड लगा देता हूं मैं यहाँ पर, कंपोनेंट विल अनमाउंट, दैट्स इट। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट विल अनमाउंट, ऑब्वियसली ये यहाँ पर तो नहीं चलेगा, लेकिन हम चाइल्ड में लगाते हैं इसको यहाँ पे, कंपोनेंट विल अनमाउंट चाइल्ड, ठीक है?
तो अब ये अनमाउंट कैसे होगा, मतलब ये चीज हटानी, चाइल्ड अनमाउंट तभी होगा ना अगर ये चीज नहीं लगेगी तो। ये चीज ऐड हो रही है इसी, इसको माउंट बोलते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्री में आपकी ये चीज ऐड होती है तो इसको माउंटिंग बोलते हैं, राइट? यस सर। तो अगर ये लगे ना तो मैं इसको चेंज करता हूँ, दिस डॉट स्टेट फ्लैग लगा देते हैं, ठीक है, फ्लैग लगा देते हैं और उसके अंदर ये लगाते हैं। फ्लैग कुछ नहीं है, बस एक वैल्यू है जो मैं प्रॉपर्टी में सेट करने वाला हूँ, यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग इज ट्रू, ट्रू है हमारा फ्लैग, ठीक है। लेकिन जैसे ही बटन दब बटन प्रेस हो तो हम फ्लैग को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स कर देते हैं, तो उसको रन करें अब देखें। शिल्पा भी है, ओ सॉरी, ये कोड हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वेट 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 वेट, चलो इसकी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ मीनवाइल। तो बेसिकली हमने फ्लैग शुरू में क्या रखा हुआ है, फ्लैग हमारा है ट्रू, तो ये कंडीशन कंडीशन क्या एवेल्युएट होगी, ये कंडीशन भी ट्रू ही होगी, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी उसकी एग्जीक्यूट होगी, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट आपका रेंडर होगा, यहाँ तक पहुंचेगा आपका ट्रांसपाइलर, तो ये वहां पर लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर जैसे ही बटन दबाते हो फ्लैग हो गया फॉल्स, फ्लैग अगर फॉल्स हो गया तो आपकी स्टेट चेंज हुई, रेंडर मेथड दोबारा चलेगा, इफ कंडीशन में अब क्या कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर तक आपका ट्रांसपाइलर नहीं पहुंचेगा, तो इस बार आपका चाइल्ड क्या हो जाएगा, आपका चाइल्ड अनमाउंट हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा आपका। जस्ट जस्ट वेट, इसको मैं इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं हम, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, वी आर गिविंग एन एक्सप्रेशन हियर। चलो इसको बैलेंस करने की कोशिश हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिलहाल इतनी चीज क्लियर है सभी को, इतनी चीज क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज करेंगे कल, और साथ में आपकी CSS और SAS के कंपोनेंट को भी हम देखेंगे। सर कल तो भारत बंद नहीं है, करो ही करनी है क्लास उसी अटेंड, भारत तो बंद ही है बट क्लास लगेगी, आई गेस डू अटेंड द क्लास, डोंट मिस इट, ठीक है। क्लास लगा लेना, भारत बंद ऑब्वियसली अगर होगा तो उससे पहले आपकी जो क्लास अगर नहीं लगती है
तो ऑब्वियसली फिर ये क्लास भी नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो क्लासेस लगती हैं तो ये क्लास भी लगा लेना। ओके सर, ठीक है, तीन चार टॉपिक्स आपके रह गए हैं, बस ये हफ्ता आप लगा लो लगातार, फिर इसके बाद आपकी एक क्लास को कम कर देंगे हम। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, जल्दी बोलो, खत्म होने वाली मीटिंग। सर अटेंडेंस लगा दो, पिछले क्लास विच सीपीसी तां करके लेट ज्वाइन किया सी 10 मिनट्स। 51 यस सर। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी ज्वाइन किया करो, लग गई है। चलो क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ।